हेलो एवरीवन, आप सबका कविता इज हेयर चैनल में स्वागत है। आज की ये वीडियो न्यू ऑनलाइन फ्री ड्राइंग पेंटिंग आर्ट कंपटीशन 2021 के बारे में है। सो लेट्स कमेंस द वीडियो। दिवाली के शुभ अवसर पर विनीता दास गुप्ता फ्रॉम लिटिल चैम्प्स एट द रेट लॉकडाउन प्रेजेंट कर रही हैं एक अमेजिंग ऑनलाइन पेंटिंग ड्राइंग आर्ट कंपटीशन 2021, जिसमें सबमिशन फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये ओपन है टू बोथ इंडियंस एंड एब्रॉड सिटीजन्स। प्राइजेज मेडल्स आर्ट मटेरियल्स और ई सर्टिफिकेट टॉप टू विनर्स को मिलेगा। डेट्स वेरी गुड। अगर कोई विनर एब्रॉड से है तो उसको सिर्फ सर्टिफिकेट दिया जाएगा और पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट सबको मिलेगा। टॉपिक है दिवाली डिलाइट, डिपिक्ट एन एक्ट ऑफ काइंडनेस। आपके शीट का साइज A4 या A3 होना चाहिए और मीडियम होना चाहिए मिक्स्ड मीडियम ऑन पेपर ऑब्लिक कैनवस। रूल्स, कुछ भी पेंटिंग पे ना लिखे, बैक साइड पे आपको नेम एज और प्लेस लिखना है। सिर्फ 1 पर्सन एक ही एंट्री सबमिट कर सकता है। नो वीडियोज ऑफ वर्क्स और प्रमोशंस रिलेटेड टू पेज आर अलाउड और कोई भी पोस्टर्स भी आपको नहीं करनी है एक्सेप्ट ऑफ कॉम्पिटिशन पोस्ट टिल 12 नवंबर। पेरेंट्स ही अपने चाइल्ड यानी पार्टिसिपेंट की एंट्री को अपलोड कर सकते हैं। 2 फोटोज को आपको सबमिट करना है, स्ट्रेट फोटो ऑफ पेंटिंग और दूसरी पार्टिसिपेंट की विद द पेंटिंग। सिर्फ क्वालिटी वर्क्स को अप्रूव किया जाएगा एज पर पार्टिसिपेंट चाइल्ड्स एज। मोस्ट इनोवेटिव क्रिएटिव और ओरिजिनल आर्टवर्क्स जीतेंगे। ई सर्टिफिकेट 1 हफ्ते के भीतर आपको मिल जाएगा। विनिंग वर्क्स प्रॉपर्टी होंगे ऑफ ऑर्गेनाइजर और जजेस का निर्णय अंतिम रहेगा। नो पर्सनल क्वेरीज आर एंटरटेन्ड। एज ग्रुप्स हैं 3 से 7 और 8 से 13। इसकी शुरुआत हुई थी ऑन 5 नवंबर, लास्ट डेट है 10 नवंबर और रिजल्ट डिक्लेयर होंगे ऑन 12 नवंबर। सो हरी अप। पार्टिसिपेट करने के लिए उन दोनों फोटोज को अपलोड करें एक पब्लिक पोस्ट के थ्रू इन दिस फेसबुक ग्रुप। कैप्शन में आपको नेम एज और प्लेस मेंशन करना है विद द हैशटैग दिवाली कॉन्टेस्ट। आई होप कि आप सभी को ये नई जानकारी काफी बेनिफिशियल लगी होगी। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में बताने का कष्ट करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें। तो बहुत जल्द मिलते हैं फिर एक न्यू अपडेट के साथ। टिल देन अपना बहुत ध्यान रखिए।